नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जीराइन किचन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फटाफट से बन जाने वाली और सुपर टेस्टी एग भुर्जी। जी हाँ, अगर आप एगिटेरियन है और मॉर्निंग में आपको कुछ ना समझ में आए कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं, तो फटाफट से बनाइए एग भुर्जी जो पराठों के साथ कमाल की लगती है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बनाना टेस्टी सुपर इजी एग भुर्जी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे, रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी जरूर करिएगा और ट्राई जरूर करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी और शेयर भी जरूर करिएगा अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बनाना सुपर इजी एग भुर्जी। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं एग भुर्जी। तो मैं बना रही हूँ ये देशी घी में। मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच देशी घी। 4 अंडों की भुर्जी बनाएंगे हम। घी को गर्म होने के बाद उसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा। थोड़ा तड़कने देते हैं जीरे को। फिर इसमें डालना है 2 लाल मिर्च। थोड़ी देर के लिए इसे भी भून लेंगे इसमें। अब इसमें 1 बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को एकदम बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना है। ये देखिए प्याज हमारी एकदम गोल्डन ब्राउन हो गई है, भुन गई एकदम बढ़िया से। अब इसमें डालेंगे हम 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। थोड़ा सा भून लेंगे इसे। इसके बाद इसमें डालना है 2 मीडियम साइज के इस तरह से कटे हुए टमाटर। टमाटर को थोड़ा पकाना है ताकि ये गल जाए। देखिए टमाटर को लगभग 4 मिनट के लिए पकाया था हमने। अब इसमें हमने नमक डाला है अपने स्वाद के अनुसार। अब इसमें आपने डालना है 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच भुने जीरे का पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मसालों के साथ इसे 1 मिनट के लिए भुनना है। अब इसमें हमें अंडे ऐड करने हैं। अंडे डालने के बाद तुरंत से आपको नहीं चलाना है, थोड़ा सा आपको 30-40 सेकंड के लिए रुकना है। तो धीरे धीरे इस तरह से इसको फैलाना है और अब फ्लेम आपने हाई रखना है और इसी तरह से चलाते हुए एग भुर्जी को भुनना है लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं और एग भुर्जी आपकी बिल्कुल तैयार है। बस थोड़ा सा इसमें हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, लगभग 1/4 छोटा चम्मच, और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया। बस इसे चला दीजिए और फ्लेम कर दीजिए बंद। आपकी एग भुर्जी इसके बाद बिल्कुल तैयार है। तो देखा आपने, है ना कितनी सिंपल सी और बहुत ही मजेदार रेसिपी। जब मॉर्निंग में आप ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो और जल्दी में हो और बहुत ही मजेदार सा कुछ सिंपल सा खाने का मन हो, तो आप फटाफट से ये एग भुर्जी पराठों के साथ या चपाती के साथ जरूर ट्राई करिएगा। आई होप रेसिपी आपको पसंद आएगी और वीडियो अच्छा लगा हो, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, जब आप बनाइएगा तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। और जीराइन किचन आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगा, आप वहाँ भी जाकर हमें सपोर्ट करें। और कुछ कहना हो, कुछ बताना हो तो और भी किसी वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी ही और भी मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए जीराइन किचन पर ज़रूर विजिट करें। थैंक यू सो मच गाइज, फिर मिलूंगी किसी ऐसी ही बढ़िया सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।